नमस्ते सबको। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप वीडियो हिंदी में क्यों नहीं बनाते। यही रीज़न है, ये वीडियो मैं हिंदी में पूरी तरह से बनाने की कोशिश करूँगी। तो मैं बात करना चाहूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ लास्ट ईयर। मेरे को एच पायलॉरी का इन्फेक्शन हुआ था, जो कि एक स्टमक इन्फेक्शन है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। बट जब ये हुआ तो मुझे पता चला कि ओके, ऐसा भी होता है। तो शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर अप्रैल से। मेरे को स्टमक में लूज़ स्टूल होता था कभी कभी, और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन जैसा फील होता था, इंडाइजेशन, बर्पिंग होती थी, डकार आना जिसे बोलते हैं। तो मुझे लगता था कि शायद मैं बाहर का खाती हूँ ज़्यादा, इसलिए होता है, क्योंकि मैं बहुत चाइनीज़ खाती थी, चाय, कॉफ़ी, बेकरी, ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता था, फ्रेंच फ्राइज़, ये सब बहुत खाती थी मैं, चटपट चटपट। मुझे मीठा उतना नहीं पसंद था, लेकिन चटर पटर मेरे को बहुत शौक है खाने का। तो फाइनली मई में मेरे को बहुत गंदा बुखार आया, जो 3 4 दिन तक रहा, और मेरे को वॉमिटिंग हुई 2 3 बार, और मेरा पूरा चेहरे का कलर, होठों का कलर पूरा ब्लूइश हो गया था। मेरे को तब समझ नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला आप 7 दिन पीपीआई लो, पैंडी लो सुबह शाम, और फ़र्क नहीं पड़ा तो बताना। उससे हल्का फ़र्क ये पड़ा कि मोशन हुआ मेरे को, और जो मेरे को गैस्ट्रिक का इफ़ेक्ट हुआ था माथे में, मतलब सर ऐसे बोलते हैं ना हम हिंदी में, मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं कि हाँ गैस चढ़ गई है, गैस चढ़ गई है। हालांकि वो चीज़ है भी और नहीं भी, आयुर्वेद तो कहता है वात रोग है, लेकिन अगर आप एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे वो नकार देते हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं ये एनजाइटी है। तो शायद मेरे को एनजाइटी थी या वात रोग है, जो भी कह लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे हो गई थी, एंड फाइनली समझ तो मुझे नहीं आया चल क्या रहा है। दिन मेरी मॉम आई देहरादून से, वो थी, उनको भी यही लगा कि ये एसिडिटी की सिम्टम है, हाइपर एसिडिटी हुई है मुझे। तो मेरा ट्रीटमेंट चला, एक गैस्ट्रो डॉक्टर है मेरे, डॉक्टर संतोष, जिनसे मैं अभी भी अपना ट्रीटमेंट लेती हूँ, कंसल्टेशन के लिए जाती हूँ, तो बैंगलोर में ही। तो वो मणिपाल, जो मणिपाल हॉस्पिटल है वाइटफील्ड, तो वहाँ पर कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उनका अपना भी क्लिनिक है, तो मैं उनसे कंसल्ट कर रही हूँ अब। एंड उन्होंने मुझे बोला था इनिशियली कि इंडोस्कोपी करते हैं, लेकिन मेरी एनजाइटी इतनी हाई थी, मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने मना कर दिया था, मैं इंडोस्कोपी नहीं करूँगी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तो उन्होंने मुझे गैंटॉन दिया और पीपीआई दिया ताकि खाना डाइजेस्ट हो जल्दी। मेरा खाना स्टमक में पड़ा रहता था, इनडाइजेस्ट हो रहा था, उस वजह से मुझे बर्प हो रहा था, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा था, एसिड यहाँ आया था, यहाँ चेस्ट में रिब केज के एकदम नीचे बर्निंग सेंसेशन होती थी, स्टैबिंग सेंसेशन होती थी। हमको यही लगा कि ये हाई एसिडिटी है। इवन पतंजलि में भी दिखाया, उनको भी यही लगा कि हाइपर एसिडिटी है। फाइनली मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी, लाइक ब्लोटिंग, बर्पिंग, फीवर, वीकनेस, वेट लॉस, खाने का मन नहीं करता था, ज़बरदस्ती खाना पड़ता था दवाई के चक्कर में, फिवरिश होता था और सर घूमता रहता था, सर हैवी रहता था, एनजाइटी होती थी, शरीर कांपता था। तो मैं समझ गई थी ये एसिडिटी तो नहीं है फॉर श्योर। फिर उसके बाद फाइनली मेरी एंडोस्कोपी हुई है नवंबर लास्ट ईयर, और एंडोस्कोपी के बाद पता चला था कि ये एच पायलोरी नाम का एक इन्फेक्शन है, जिस वजह से कभी कभी कैंसर भी हो जाता है, जो कि एसिडिटी भी देता है। और ये बेसिकली इंडिया में ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों को होता है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके कोई सिम्टम नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा उनको बर्पिंग के इशू हो जाएंगे, ब्लोटिंग के इशू हो जाएंगे, गैस्ट्रिक इशू हो जाएंगे, पर जैसा मेरे को हुआ वैसे सिम्टम लोगों को नहीं होते। वो नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, तो उनको पता भी नहीं चलता पूरी ज़िंदगी की उनको एच पायलोरी है। वो सोचते हैं कि उनको एसिडिटी का इशू है, या उनको इनडाइजेशन का इशू है, या बर्पिंग है, ब्लोटिंग है, बट ये सब एसिडिटी के सिम्टम होते हैं। हेडेक होता है, सर भारी होता है, एनजाइटी होती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद मेरे को 14 डेज तक ट्रिपल थेरेपी करके एच पायलोरी का किट आता है, जो आपके डॉक्टर ही आपको दे सकते हैं, वो आपको ऐसे मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता। वो जो मेरे डॉक्टर थे, डॉक्टर संतोष जो हैं, उन्होंने मुझे वो किट प्रिस्क्राइब किया। 14 डेज के लिए मैंने लिया। स्टार्टिंग के 2 3 दिन जब आप वो लेते हो मेडिसिन, आपका सर घूम जाएगा बुरी तरह, क्योंकि आपका जो पेट है ना, उसके अंदर सब कुछ दोबारा से, जैसे आप ये समझ लीजिए आपका फ़ोन है, आप उसको रीस्टार्ट करते हो, जब आप उसको रीस्टार्ट करते हो वो दोबारा से स्टार्ट होता है ना, ऐसे आप समझो कि आपका गट पूरा दोबारा से रीस्टार्ट हो गया जब आपने वो 14 दिन के लिए वो एंटीबायोटिक लिया है।
तो 2-3 दिन तो चक्कर भी आते हैं, बहुत वीकनेस रहती है, फिर धीरे धीरे ठीक होता है। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि पेट भी मेरा ठीक हो गया, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहा, स्टूल भी अच्छे से पास हो रहा है, मैं खाना खा पा रही थी। लेकिन उसमें मेरी ये गलती रही कि मैंने जो है बाहर का खाना शुरू कर दिया आफ्टर 14 डेज़। मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, क्योंकि मुझे फ़र्क आया। मैं चाय भी पी रही थी, मैं कॉफ़ी भी पी रही थी, एंड मुझे फ़र्क रहा। और कम से कम 1-1.5 महीना मैं फ़र्क था, और मैं अच्छे से अपना मैं ऑफिस भी जा रही थी, मैं खा भी रही थी पिज्ज़ा ये वो। लेकिन फिर दोबारा मुझे 1-1.5 महीने बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, एंड मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैंने उनको बोला मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे जो दांत हैं वो येलो होना शुरू हो गए, जो कि मेरा सिम्टम पहले भी था। यानी कि वो जो बाइल का सिक्रीशन होता है हमारी बॉडी में, वो ज़्यादा हो जाता है, जो हमारी जीभ होती है उसमें कोट हो जाती है, मतलब कोटिंग हो जाती है वाइट लेयर की। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हो जाते हैं, चक्कर आना, एनजाइटी होना, हार्ट बीट बढ़ना, आपका कलर आप देखोगे चेहरे का, आपके हाथ पाँव का एकदम चेंज हो जाएगा, ब्लूइश टाइप टिंट आ जाता है, कुछ अजीब सा हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, और दोबारा मुझे फिर ट्रिपल थेरेपी लेनी पड़ी है। मैं अभी आपका मार्च एंड हो रहा है, मैंने फेब में ली थी, फेब एंड के करीब। तो अब ऑलमोस्ट मैं ये बोल सकती हूँ 20 दिन हो गए हैं मुझे वो लिए हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है। एंड हालांकि अब मैं बहुत प्रिकॉशन ले रही हूँ, मैं कुछ भी बाहर का नहीं खा रही हूँ, ना मैं ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ। मैं 1-2 बार ले लेती हूँ दिन में, पर मैं ऐसे नहीं, पहले मैं 4-4-5-5 बार लेती थी। अब जैसे ये जंक फूड होता है, मोमोज बहुत खाती थी मैं, वो तो मैंने छुए भी नहीं है तब से, मोमोज तो मैं खा भी नहीं रही हूँ। एंड हाँ, तो ये सब चेंजेस हैं, एंड उस वजह से मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे कि मैं मैस्टिक गम लेती हूँ। आप मैस्टिक गम जो होता है वो ओरिजिनली ग्रीस से आता है, तो महंगा भी रहता है, तो आप अमेज़ॉन पर टाइप कर सकते हो मैस्टिक गम। तो मैस्टिक गम जो होता है वो मैंने उसका यूज़ किया है, तो वो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगता है। 1 ग्राम मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड आफ्टरनून आफ्टर फूड। मैं प्रोबायोटिक लेती हूँ, फ्री एंड प्रोबायोटिक। आपको कोई भी अच्छी सी फार्मेसी में जाके बोलिए हमें 50 बिलियन वाला कोई भी अच्छा सा प्रोबायोटिक दे दीजिए, वो आप लीजिए। आप 2 टैबलेट सुबह खाने के समय लीजिए, दिन में लीजिए और शाम को लीजिए। कई लोग बोलते हैं कम लेना है, पर मैं तो लेती हूँ। उसके अलावा पानी मैं खूब पीती हूँ। उसके अलावा आपको जो भी खाना खाना है, बहुत सिंपल खाना खाना है, उसमें मसाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ऑयल बिल्कुल कम होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हैं, आप लौकी का जूस पीजिए, एश गॉर्ड होता है, पीठा उसका जूस पीजिए, आप एप्पल खाइए। पपाया मेरे को सूट नहीं करा, मैं पनीर नहीं खाती। मेरे को समहाउ चिकन सूट करता है, मैं बहुत हैरान हूँ। फिश और चिकन मैंने खाया, मैं गोवा भी गई थी, मुझे सूट किया। मैं ऑल्सो पैंडी भी ले लेती हूँ। पैंडी मैं तब तब लेती हूँ जब जब मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा आज हैवी खाना खा लिया है, या मुझे अगर ट्रैवल करना पड़ रहा है काम की वजह से या किसी वजह से। अब जैसे मुझे ट्रैवल करना है नेक्स्ट मंथ, तो मैं जानती हूँ मैं बाहर जाऊँगी तो मेरी मजबूरी रहेगी, वहाँ पे मेरे हिसाब का तो हर चीज़ नहीं मिलेगा ना, तो मैं पैंडी रखूँगी अपने साथ। और जो जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं मैं वो ले रही हूँ। और लिवर के लिए भी आप ले सकते हैं, मैं आंवला भी कंज्यूम करती हूँ, क्योंकि आंवला बॉडी को ठंडक देता है और आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं, हीट है, वो सब निकाल देता है। एनजाइटी को लेके मैंने जब ट्रिपल थेरेपी ली, मेरे को 80% एनजाइटी में बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन साथ साथ मैं एनजाइटी के लिए मेरी साइकेट्रिस्ट है, मैं उनसे भी मणिपाल HAL में, तो मैं उनसे भी कंसल्ट करती हूँ। और मैं एक एनजाइटी की मेडिसिन भी लेती हूँ रात को, जो कि पहले बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत कम हो गई है। क्योंकि ये होता ही है, जिसको भी एच पायलोरी होगा उसको एनजाइटी आना बहुत आम बात है, क्योंकि आपका जो स्टमक है ना, जो आपका गट है, वो इतनी बुरी तरह तबाह हो जाता है कि आपका ब्रेन का फंक्शन ऑलरेडी ख़राब हो गई होगा, क्योंकि ब्रेन और गट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो लोग जो बोलते हैं हमें एनजाइटी, कई लोगों को तो सिम्टम ऐसे होते हैं कि पेट में कुछ नहीं होता, सिर्फ एनजाइटी आती है अचानक से, बोलते हैं हमें हुआ क्या, हम बिल्कुल ठीक थे। तो वहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि आपके सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं, MRI ठीक आ गया, CT स्कैन में कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, ब्रेन में कोई ट्यूमर नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक से एनजाइटी क्यों आई, वो कभी कभी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एच पायलोरी हुआ है तो एनजाइटी का सिम्टम दिया है स्टार्टिंग में, उसके बाद पेट खराब होगा। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ एनजाइटी नहीं आई, मेरे साथ पेट ही खराब होना शुरू हुआ। तो एच पायलोरी के सिम्टम हर किसी में अलग अलग होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। उसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ, आटा जो हम लेते हैं, तो मैं आटा सिर्फ गेहूं का नहीं खाती, उसमें बहुत सारे आटे मिक्स हैं, जैसे मल्टीग्रेन हम जिसको बोलते हैं, उसमें मक्की का आटा है, ज्वार का आटा है, ऐसे बाड़ले, बहुत सारे आटा उसमें मिक्स हैं, और मिक्स करके मैं वो आटा खाती हूँ।
खाना जो मैं खाती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसमें नमक कम हो, उसमें ऑयल कम हो, उसमें मिर्ची तो मेरे घर अब आना ही बंद हो गई है। मेरे घर मिर्ची नहीं आती, लाल मिर्ची तो मैं पहले भी नहीं खाती थी, पर जो हरी मिर्ची भी होती है वो मेरे क्या बोलता है ब्रदर अगर खाना चाहे, क्योंकि मैं अपने ब्रदर के साथ रहती हूँ बैंगलोर में एंड मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं रहते, तो मेरा ब्रदर अगर खाना चाहे तो उसके लिए हरी मिर्च अलग से होती है, बट मैं मिर्ची बिल्कुल नहीं खाती। उसके अलावा मैंने ये देखा है कि आप अपने ध्यान को थोड़ा भटकाएं अपनी हॉबीज़ की हॉबीज़ में डालें, मैं अपने काम में अपने आप को बिज़ी रखती हूँ तो मुझे उतना अभी पता नहीं चलता, और मेरे में डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट आया पहले से, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आई हैव सीन करीब करीब 70 से 80-90% मेरे को इम्प्रूवमेंट आ चुका है, वरना मैं इस हालत में नहीं होती कि मैं ऐसे वीडियो बना रही होती। लास्ट ईयर जब मैं सोचती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है कि क्या हालत थी मेरी, बहुत बुरी, ऐसा लग गया था कि मैं मर जाऊंगी, मुझे इसकी समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। राइट, जब इंडोस्कोपी हुई तब जाके पता चला कि हुआ क्या है। तो आपको किसी को भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए कि क्या इश्यूज़ है। अब मैं आपको थोड़ी अपनी मेडिसिन दिखा देती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस क्या मेडिसिन हैं। देखिए ये है मैस्टिक गम, ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा, मैं ये यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये देखिए ये 50 बिलियन, मैं आपको बोल रही थी ना 50 बिलियन, ये नाव एक कंपनी है प्रोबायोटिक होता है इसका 50 बिलियन। अगर आपको ये ना मिले, ये थोड़ा महंगा आता है, तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्लोरा सॉन्टे, ये हिमालय का है, इसमें प्री एंड प्रोबायोटिक दोनों है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कुछ और मेडिसिन दिखा देती हूँ। पैंडी की जो मैं बात कर रही थी, पैंडी सबको पता है, मैं ये ले लेती हूँ कभी कभी जब मुझे लगता है पेट गड़बड़ है, क्योंकि इसे ठीक होने में ही 6 महीने से 1 साल लगता है, ये आप समझ लीजिए। फिर मैं लेती हूँ ये है बिकासुल, ये मैंने ऑलरेडी पूरा पैक मंगा के रखा है अपने लिए, ये मैं खाने के बाद तीनों टाइम लेती हूँ, सुबह शाम और दिन में, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो इतनी हीट हो जाती है कि आपके मुंह के अंदर छाले पड़ सकते हैं, तो आप ये हमेशा लीजिए और कम से कम अगले 6 महीने तक लेना है। फिर उसके बाद मैं B12 लेती हूँ अलग से, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक कोर्स करते हैं तो आपका विटामिन डी, B12 ये सब बॉडी से ख़त्म ही हो जाता है, ऑलमोस्ट कम हो जाता है। फिर उसके बाद मैं ये वाली मेडिसिन लेती हूँ, इसका नाम है, मैं जो आपको बोल रही थी जिंक, हाँ इसको बोलते हैं जिंकासिन प्लस, ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा, इसमें जिंक, मैस्टिक गम, लिक्विड रूट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं तो 2 टाइम लेती हूँ, सुबह और शाम को, कभी कभी 3 टाइम भी लेती हूँ, कई लोग बोलते हैं बस एक ही बार लेना होता है, मैं लेती हूँ भाई क्योंकि मुझे ठीक होना है, मैं अगर नहीं, अगर बॉडी उसको एक्सेप्ट करी तो वो निकाल ही देगी, तो पर मैं ले रही हूँ। और आपको यही करना है कि धीरे 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 जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपको ये रिड्यूस कर देनी है इसकी मात्रा। तो विटामिन डी भी मैं लेती हूँ, विटामिन डी मैं 2000 जो यूनिट होती है उसकी इन अ वीक मैं लेती हूँ, फॉर अ मंथ 60,000 इनफ होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो उनकी तो मेडिसिन अपनी ही होती है, उनके अपने पाउडर्स होते हैं, ये सब होता है, मेरे को एग्जैक्टली उसकी कोई जानकारी नहीं है क्या उनके नाम है, वो मेरे को उन्होंने पाउडर्स बना के दिए हैं, सीरप दिया है, तो वो मैं कंज्यूम करती हूँ। तो आप एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी दिखाइए। आई विल नॉट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मतलब मैं होम्योपैथिक में बिलीव नहीं करती हूँ, और मैं आपको भी नहीं कहूँगी होम्योपैथिक में जाइए, मैं तो यही बोलूँगी आयुर्वेदिक और एलोपैथी, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना ही होगा। तो आप पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, साथ साथ में ये चीज़ें लें, और फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आप लेते रहें अपना, ठीक है। आप अपने किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाइए। मैं पहले पतंजलि का ट्रीटमेंट ले रही थी बट मैंने वो बंद कर दिया है, मैं अब किसी और प्रैक्टो से ही मैंने पता किया कि कोई अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे सिटी में, रेटिंग्स भी होती है, लोगों के रिव्यूज़ भी होते हैं, प्रैक्टो एक एप्लीकेशन होती है, उसको इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में और उसमें टाइप करिए आयुर्वेदिक डॉक्टर इन माय सिटी है, जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वो, और रेटिंग के हिसाब से वो आपको बता देगा कौन सी लोकेलिटी में कहाँ है। और आप, मैं तो वही कर रही हूँ फॉलो, मैंने पतंजलि बंद कर दिया और मुझे फ़र्क है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे फ़र्क भी आया है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप ये सब कंटिन्यू करें और आपको देखें फ़र्क आएगा फॉर श्योर। और अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम है, जलन है छाती में, एसिड आ रहा है, खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो मुझे एच पायलोरी हो गया, नहीं, एच पायलोरी में बहुत सारे सिम्टम आते हैं, आपको ये देखना होगा,
ठीक है, लेकिन फिर भी कभी आपको लगता है कि आपको एंजाइटी हुई है, लेकिन कोई मतलब इशू नहीं है, सारे टेस्ट करा लिए, सब ठीक है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, हार्ट बर्निंग हो रही है, बहुत टाइम हो गया, आपने पीपीआई ले लिया, सब ये सब ले लिया, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, लेथार्जीनेस है, आपको बहुत डलनेस फील हो रही है, वीकनेस हो रही है, बहुत सारे सिम्टम होते हैं इसके, तो आपको ये समझना होगा और उसके हिसाब से फिर आपको डॉक्टर से भी बोलना होगा क्या ये टेस्ट भी किया जा सकता है। एच पिलोरी का टेस्ट, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है, मेरे साथ स्टार्टिंग में यही हुआ था, एसिडिटी बोला था राइट, तो ये हो सकता है कि आपको पीपीआई दिया गया है, जो कि दिया जाएगा एसिडिटी में। अगर आप पीपीआई पे हो, जैसे कि पैंडी हो गया या एच टू ब्लॉकर हो गया, पीपीआई अगर आप ये ले रहे हो और उसकी तुरंत बाद आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो या यूरिया टेस्ट के लिए जाते हो एच पायलोरी के लिए, एच पायलोरी का टेस्ट ब्लड टेस्ट के थ्रू भी होता है, स्टूल टेस्ट के थ्रू भी होता है, बेस्ट तो होता है एंडोस्कोपी, लेकिन अगर आप तुरंत पीपीआई लेने के बाद इन टेस्ट के लिए जा रहे हो तो आपका ना टेस्ट पॉजिटिव, मतलब टेस्ट का रिजल्ट करेक्ट नहीं आएगा। एच पायलोरी का टेस्ट अगर आपको करवाना है तो आपको बिना पीपीआई के कराना होता है, तभी रिजल्ट ठीक आता है। अब मेरा जब टेस्ट हुआ था, हालांकि मैं पीपीआई नहीं, तब मैं पीपीआई ले ही नहीं रही थी, करेक्ट, मैंने पीपीआई ही नहीं लिया था और मेरा डायरेक्टली एंडोस्कोपी हुआ था, तो मेरा टेस्ट एकदम करेक्ट आया था। तो ये सारी बातें आप अपने डॉक्टर से करें, पता करें कि क्या सही रहेगा आपके लिए, क्या सही नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप जाएं आगे और अपना स्टेप लीजिए। एच पिलोरी मैं नहीं कहूँगी कि बहुत जाता नहीं है, बट रुला देता है भाई, बहुत बहुत ही गंदा है ये, मैं अपने दुश्मन के लिए भी कभी नहीं चाहूँगी उनको दिक्कत हो। हाँ, घुटनों में भी दर्द होता है किसी को, किसी, मेरे तो बाल पूरे गिरने लग गए थे, मेरे दांत येलो हो गए थे, मैं मतलब एच पिलोरी के बहुत सिम्टम्स हैं, तो आप देर ना करें, आपको अगर लगता है कि कोई ऐसा इशू है तुरंत जाएं अपने डॉक्टर को दिखाएं और उनसे ज़रूर पूछें कि क्या मुझे एच पिलोरी हो सकता है, और उसके हिसाब से आप फिर अपना जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो उन सबको हेल्प करेगा जिनको ये इशू था कि मैं इंग्लिश में क्यों बना रही हूँ, मैं हिंदी में क्यों नहीं बना रही हूँ। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी मेरी जानकारी हिंदी में देने की, और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और दैट्स इट, आप अपने डॉक्टर को दिखाइए और जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए, और कमेंट ज़रूर करिए और बताइए कि आपको क्या सिम्टम्स हैं। थैंक यू।